जी प्लीज स्टार्ट। मैम, मिसेज अमृत सहगल मोहाली से पंजाब से बोल रही हूँ। हमारा यहाँ रिटायरमेंट के बाद रेजिडेंस पूरा पक्का है, यहीं का रह गया है। एक्चुअली हम बाबा मेहर बाबा के कांटेक्ट में कैसे आए ये मुझे कहा गया, अब ये बताना है। और जो कुछ हमारे साथ वहाँ हुआ या बाद में हुआ उसके बारे में क्या बताना है क्या नहीं बताना, यही बहुत होता है कि अभी हम कांटेक्ट में आइए, एक चमत्कार अपने में है। वैसे मैं शुरू करती हूँ, जो कुछ कहूँगी वो सच है, क्योंकि ट्रूथ इज हायर देन एनीथिंग टिल द ट्रूथफुल इज लिविंग। वो जिस परमात्मा को ना देखा ना रूप ना रेख ना रंग के त्रै गुण त्रै पर भिन्न, वो तो इन सारे गुणों से दूर है। अगर आ ध्यान टेक के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। आजकल जो हम लोग लॉकिंग में हैं, तो एक सूक्ष्म वायरस की वजह से, और ये सूक्ष्म वायरस जो हमको कई कुछ सिखा रहा है, जो कि एक सूक्ष्म परमात्मा सिखा रहा है हमें। हम बाबा के कांटेक्ट में आने से पहले आपको बताऊं कि कैसे हमारा ट्रांसफर एज ए पनिशमेंट तो हमीरपुर हुआ था। जाने से पहले मिस्टर सहगल कहने लगे कि मैंने नहीं वहां जाना, मैं कैंसिल कराता हूँ। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा नहीं, ये ईश्वर की मर्जी है, हमको जहाँ जाना है चाहे कैसा भी है, तो आप चलिए ज्वाइन करके आइए। इन्होंने अपना गाड़ी उठाई और हमीरपुर के लिए चले गए और वहाँ ज्वाइन कर लिए अपनी जॉब। अब मसला रहा कि रेजिडेंस का, वो रेजिडेंस अभी हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो कि कॉलोनी बन रही थी उस वक्त। तो इन्होंने किसी होटल में अपनी रिहायश रखी और फिर जब फ्री हुए तो इन्होंने कहा चलिए देखिए शहर कैसा है। जब ये घूम फिर कर आए तो कहीं कुछ समझ में ना आया, तो जब मेहरपुरी के प्रेमिसेस में पहुंचे हैं तो वहाँ कुछ इनको अट्रैक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ये जगह अच्छी लगती है, तो यहाँ क्यों ना कोई घर बने को दूसरा बंदा बताए कि भी ये जगह किसके हाथ में है, किसके कमरे हैं, किसके घर है। तो किसी ने बताया कि यहाँ एक वो रहते हैं मिस्टर रजन बाबू करके, ये उनका घर है, आप उनसे जाकर मिलिए। ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा वहां गया, उनका घर पूछ कर कहाँ है, तो पुकार जी वहां बैठे थे अपने मामा जी के घर में। रजन बाबू जिनके घर में हमने बाद में आकर ठहरे हैं, वो मामा जी उनके मामा जी के लड़के हैं। जब मिस्टर सहगल ने जाकर सारा कुछ बताया कि मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है, मुझे और जगह पसंद नहीं आई तो मैं यहाँ आया हूँ, आपको मुझे मकान दे सकते हैं तो दे दीजिए किराए पर, क्योंकि हमारी कॉलोनी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी हम वहाँ जा नहीं सकते। ओ तो ये बात तय हो गई, ठीक है आपको घर देते हैं, तो वाइट वॉश वगैरह करवा लीजिए, या करने को आप खुद कहा ये मुझे याद नहीं, इतने साल हो गए। ये 1973 की बात है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अभी ये अपना ज्वाइनिंग के बाद अपना मकान की सफाई वाई से कर आप वापस, हम लोग रायबरेली पोस्टेड थे उस वक्त, ये वापस आए अपनी फैमिली को लेने के लिए। और बाय चांस आपको ये बताते हैं कि जब हम पूरा अपना सामान ट्रक वगैरह लेकर हमीरपुर पहुंचे हैं, और हमीरपुर उस वक्त इस टाइप का था जैसे आइलैंड होता है, इट वाज जस्ट शिप में बैठना है, बोट में बैठना है और उसी को पार करके हमीरपुर पहुंचना होता था। तो जाके इंस्पेक्शन हाउस एक मिला, वहां पर हम लोग ठहर गए। और एक्चुअली मुझे बहुत तेज बुखार था उस दिनों में, जुलाई का महीना था, तपती गर्मी थी, साथ में बारिश हो रही थी। सामान हमने अपने ही कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ हो रहा था वहाँ किसी गैरेज में रखवा दिया। अब जब ये मकान की चाबी लेने गए तो मिस्टर रजन बाबू ने मना कर दिया कि मैं नहीं मकान देता आपको। बाद में भी भेद काफी दिनों बाद पता लगा कि प्रकाश जी के छोटे बेटे गोरे ने कह दिया कि किनको दे रहे हैं मकान, वो तो अंडा मीट खाते होंगे, बड़े तेज होते हैं, बड़े लड़ाके होते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने चाबी नहीं देनी।
सहगल साहब ने कहा कि भी देखिए मेरी फैमिली भी आ गई है, माय वाइफ इज नॉट वेल, को टेम्परेचर भी है, और मैं अपनी तो कोई मेरा यहाँ रहने वाला नहीं, कोई जिसको मैं कह दूं कि मेरी गारंटी ले गए, मैं अपनी गारंटी आप ही खुद दे सकता हूँ कि हम ना तो मीट खाते ना अंडा खाते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद तो फिर बताइए कि अब देना है कि नहीं। एकदम से कहते हैं, पुकार जी भी वहां बैठे थे, रंजन बाबू ने जेब से चाबी निकाली और सैकड़ साहब के हाथ में दे दी। अब हमने शिफ्ट कर लिया, बाद में हमें पता चला जिस कमरे में हम जाकर ठहरे थे इंस्पेक्शन हाउस में, वो कमरे में पहले मेहर बाबा आकर कभी ठहरे थे। ये बड़ी दिन बाद पता लगी, और ये बात किसने बताई उनको कि उनको मकान ना दीजिए, ये आपको बताई दिया गोरेलाल ने। बाद में देखा कि ये तो लोग बड़े अच्छे हैं और मुझे किसी ने भड़का दिया, और ये खुद जानता है इस बात को, उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मेरे से गलती हो गई। पर ये होना था, हम उस घर में आ गए। आने के बाद सामने खिड़की से हमें मेरपुरी दिखाई देती थी मंदिर, शाम सवेरे आरती होती थी, हमको कुछ नहीं उसका ज्ञान था, खिड़की से हम झांक लेते थे, लेकिन अच्छी लगती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था कि यहाँ अच्छी तरीके से। पहले तो सवेरे सवेरे वहाँ लाउडस्पीकर से मंदिर से घंटिया और वहाँ की प्रार्थनाएं सुनने को मिलती थी, फिर मेरे बाबा के यहाँ होता था, लेकिन हम जाते नहीं थे। लेकिन जब मेरे को अपनी बेटी की एडमिशन करानी पड़ी तो मुझे मंदिर में जाके स्कूल था जो जाना पड़ा। जैसे मैं स्टेप चढ़ी तो मेहर बाबा की मूर्ति देखकर मुझे एकदम से ऐसे लगा, कुछ डर से लगा, क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया था व्हाट एवर आई विल स्पीक आई विल सीक द ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ इज हायर, स्टिल इट इज हायर देन एवरीथिंग, और ट्रुथफुल लिविंग इज हायर देन एवरीथिंग। तो मुझे डर सा लगा, रिस्पेक्टफुल डर, जिसको कहते हैं कि निरपो तो है। इससे पहले भी मैंने अपने पाठ भजन का बहुत ख्याल किया हुआ था, इतना पता था कि निरपो जपे सगल पाव मिट जाते हैं, निरपो कौन है, ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं, सब डर में बैठे हुए हैं। तो मुझे डर सब जरूर लगा, लेकिन मैंने जाकर अपना बेटी का दाखिला करा दिया और वो आने लगी स्कूल से, खिड़की बिल्कुल घर के बिल्कुल नीचे उतर के, खिड़की छोटी सी होती थी उसके अंदर से घुसकर ही क्लास में। बाद में मैंने स्कूल में उस बच्चों को पढ़ाया भी था। अब देख रही हूँ कि मेला आ गया, जब तो खिड़की से ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, जो आता है वो गले मिलता है ऐसे जैसे यहाँ किसी किसी की शादी हो रही होगी, और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मामी आ गई, चाचा आ गया, ताऊ आ गया, तो आपस में खुशियां होती है, ऐसे मैंने देखा कि यहाँ ये चीज तो बड़ी अच्छी लगती है कि भी क्या हो रहा है यहाँ मंदिर में। इतने में बुकार जी की बिटिया लीला आई कि हमको दो कमरे चाहिए, तो हमने ठीक है, आउटसाइड दो कमरे थे जो ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम, दोनों हमने उनको कहा धीरे धीरे कि आप खाली करवा लीजिए और ये दोनों कमरे आप ले लीजिए, जिसमें एक में प्रकाशवती जी ठहरी थी और एक में वो देहरादून के फैमिली थी। अब हमने अपने कोर्टयार्ड के अंदर दूसरे रूम बेडरूम वगैरह थे, अंदर से कुंडी लगा ली और अपने अंदर ही रहे, और आके वो लोग ठहर गए वहां। साथ वाले कमरे घर में कुसुम मेहर कुसुम जी रहे, वहाँ उनके साथ और भी लेडीज थी। तो मुझे एक दिन बख्शी जी की वाइफ ने मेरी बेटी को कहा कि देखो तेरी तुम्हारी मम्मी कितनी निटिंग करती रहती है, हर वक्त बैठी अंदर दरवाजा बंद करके, कभी बाहर आकर नहीं देख सकती हुई क्या हो रहा है। तो मैंने कुंडी खोलकर कहा जी मैं क्या पता क्या हो रहा है, हमें तो कोई बताता ही नहीं ना, मैंने इतने दिनों से आए हूँ या खाली आवाज सुनते हैं। आरती की तो बड़ी अच्छी लगती है, एक आध बार गई भी वहां जाकर अटेंड भी की आरती। तो उन्होंने कहा अच्छा आज मेरे साथ शाम को चलना, यहाँ कवालियां भी होती है, मुझे कुछ गजलों का कवालियों का बहुत शौक था शुरू से ही। तो मैंने कहा ठीक है। तो कुसुम कहने लगी अमृत मैं भी सरदार हूँ, मैं कहा मुझे मजाक कर रहे हो, क्योंकि वहां हमीरपुर में आपने रेयरली कोई सरदार नहीं था उस टाइम देखने को मिलता। तो
उन्होंने कहा आज मैं तुमको उठाने आऊंगी, तुम मेरे साथ रात में चलना और प्रोग्राम को देखना। खैर वहां गए, प्रोग्राम देखा, काफी अट्रैक्शन सी हुई, अच्छा भी लगा, लेकिन ज्ञान की बात नहीं कुछ समझ में आई। लेकिन ये है कि इतना जरूर समझ लगा कि इस मिशन में या इस प्रोग्राम में प्यार की बहुत बरकत थी। ऐसा लगता था कि अपने लोग सब बैठे हैं जो पिछले जन्म के शायद संबंधों के बंधे बैठे हुए। हमने तो ये सुना था कि ईश्वर कण कण में है, तो फिर सोचने लगे फिर यहाँ भी तो वही है परमात्मा, यहाँ क्यों नहीं होगा। तो सोचने लगे कि भी ये लोग कुछ खुल के तो बताते नहीं, और ना ही हमने पूछा कभी भी। कुछ दिनों बाद जैसे सैगल को टाइफाइड हो गया, बड़ी परेशानी रही, फिर भी कोई नहीं देखने आता था। लेकिन एक दिन पुकार जी को पता चला, जब तब वो हमारे घर अंदर आए, हमसे बात की, फिर कहने लगे आप आया करो मंदिर में, मंदिर में आप आकर आरती के टाइम तो आके प्रसाद ले लिया करिए। घर जाने लगे, आरती करने भी लगे साथ में, बड़ी अच्छी लगी। कुछ ऐसा आपको बताते हैं कि somehow हमारे सर्विस में जो प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से हमको जो पनिशमेंट उन्होंने यहाँ भेजा था। उससे पहले हमने मन में सोच रखा था कि ऐसी जगह भेजे परमात्मा जहाँ की हमें कुछ ना कुछ मन की शांति मिले। तो धीरे धीरे जो पुकार जी ने भी एकदम से अपने आप को नहीं खोला, ना हम ज्यादा मिक्सअप हुए। जब धीरे धीरे उन्होंने हमसे बातें करने शुरू कर दी तो हमको कुछ अच्छा लगा। शालिग्राम शर्मा भी थे उस टाइम, पंचाल जी भी होते थे। तो फिर इतने धीरे धीरे मिक्सअप होना शुरू हुए कि पुकार जी ने हम देखिए हमने बाबा को नहीं देखा, टू बी वेरी फ्रैंक, हमने बाबा को नहीं देखा। अगर देखा है तो थ्रू हिज बुक्स। मुझे बाबा की बुक्स बहुत अच्छी लगती थी, मेरे सारी बुक्स मैंने डिटेल्ड पढ़ी हैं, बहुत सालों तक पढ़ती रही थी। या फिर थ्रू पुकार जी आईज, क्योंकि पुकार जी वॉज द मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ डीड्स, ऑफ कोर्स डेडिकेटेड टू बाबा। तो हमें अब लालच होने लगा कि इनसे बात ज्यादा से ज्यादा करें पुकार जी से। तो एक ऐसा एक बना लिया हम लोगों ने कि खाना रात का दिन का इकट्ठे बैठ के खाने लगे, कभी हमारे घर में कभी मंदिर में ही बैठ के खाते थे। और लालच होता था कि बाबा के बारे में कुछ और बताएं। लाइट चली जाती थी तो हम लैंप जलाकर बुक्स पढ़नी, बाबा की एवरीथिंग एंड नथिंग पढ़ी, काफी कुछ उससे विवेचन भी किया। उसके संबंध में पूछते रहे एक दूसरे से, हम लोग ने आपस में वार्तालाप करते थे। और धीरे धीरे हम लोगों को ये लगने लगा कि पुकार जी बहुत ही डेडिकेटेड हैं बाबा के, तो इनको हनुमान भी क्यों कहते रहे। कहते तो थे ही रो हनुमान जी है, लेकिन अगर उनके शक्ल सूरत डील डॉल देखे तो शायद पुकार जी थे फुल ऑफ एनर्जी। और जब वो गए अमेरिका, पीछे साइकिल से आप फिर बीमार हो गए, हम लोग ट्रांसफर हो गए थे वहां से, सुल्तानपुर आ गए थे। वहां से वो मैसेज देते थे कि साइकिल को मेरा आशीर्वाद देना, बहुत प्यार हो गया था उनके साथ। उन्होंने हमें पूरी, बुकार जी ने ट्रेंड किया था कि डेडिकेशन क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, पंक्चुअलिटी क्या होता है, प्लस आप स्पिरिचुअल कैसे बन सकते हैं और कैसे नहीं बन सकते हैं। बनना तो आसान नहीं होता। उन्होंने एक अपनी कथा में एक बार बताया था कि बाबा के टच के आने से पहले मुझे अपने कमरे में एक लाल कपड़े पहने हुए एक लेडी आती थी और अंगूठा हिलाकर कहती थी उठो, तो मैं उठ जाया करता था। और उठ के जो अपना आसन या जो कुछ भी पढ़ते थे, गीता वीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते होंगे,
कहते एक दिन मैंने अपने मामा जी को ये बात समझा बताई, तो उस दिन के बाद फिर वो लेडी आई नहीं। ये उन्होंने कुछ कुछ बातें हमको बताई थी। अमेरिका से लौटकर उन्होंने हमको कॉल तक हुई नहीं हमारी। एक दिन अचानक सुल्तानपुर रेजिडेंस में बेल बजी आउटडोर, तो मिस्टर सैगल ने कहा ये पुकार जी हैं। कोई उनका मैसेज नहीं, कोई चिट्ठी नहीं कि मैं आने वाला हूँ। और दरवाजा जब खोला, सच में पुकार जी और संचार जी दोनों खड़े थे। ये उनकी अट्रैक्शन थी, ये उनकी नॉलेज थ्रू बाबा थी, या हमारी अट्रैक्शन थी, पिछले जन्म के उनके साथ संबंध थे। और अंदर आ गए, अंदर आकर फिर हम जब भी कहीं कभी कहीं किसी पोस्टिंग टाइम में भी हम उनको बुलाते थे, तो एक वार्तालाप के स्वरूप में हम सारे SDM को, DM को, SP को, सब लोगों को बुलाकर अपने यहाँ बैठ के आध्यात्मिक गोष्ठी होती थी। तो हमने वहां पर भी सुल्तानपुर में भी आस पड़ोस वालों को बुलाना शुरू कर दिया। तो बैठ के शाम के टाइम हम लोग यही वार्ता बाबा के बारे सुनाते थे, सुनते थे। और यकीन मानिए कि जब वो जाने लगे हैं, तो हमारे आस पड़ोस की लेडीज, यंग गर्ल्स फूट फूट कर रोने लगी। कोई देखता नहीं है पुकार जी को। फिर बाबा की बातें और उनका अपना आचार आचार व्यवहार तो है ही दुनिया में। अगर यही नहीं होगा तो आध्यात्मिक बातें करने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो वो फूट फूट कर रो रही हैं कि अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, हमको इतना अच्छा लगता है। तो ये उनकी हस्ती थी। सुल्तानपुर के बाद हमें, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत जगह आए। वो इतना आते थे कि एक ही रजाई में मेरे सारे बच्चे, मैं, सैगल साहब, वो पुकार जी इकट्ठे बैठ कर जहाँ भी आए इतने प्यार से रहते थे। इतना उन्होंने प्यार हमको दिया, ऐसे लगता था बाबा का प्यार मिल रहा है। और फिर उन्होंने जब एक बार हमारे पास बलिया में आना था, तो बलिया में आए, हम लोग टूर पर गए हुए थे, पीछे कोई भी नहीं था। उनको इंस्पेक्शन हाउस में, हमारे जो वहाँ रहते थे फोर्थ क्लास के मेंबर्स, उन्होंने उनको खाना भी बनाकर खिलाना था और उनको ठहराया। जब हम वापस आए तो पता चला पुकार जी आए हुए हैं, और मिसेस पंचाल थी, पुकार जी थे और पंचाल जी थे। तो हमको बड़ा अजीब लगा कि हम लोग तो पता नहीं कहाँ रह गए थे, लेकिन रह नहीं गए थे। हम लोगों को ये लगा था कि मैंने को ये कहने लगे तुम चलोगी साथ में टूर में। मैंने कहा अगर कोई स्पेशल बंदे से आप करवाओगे, वहाँ कोई है तो मैं चलती हूँ, क्योंकि ये बहुत सुना था कि मस्तों की कहानियां बहुत सुनी थी। तो इनके ओवरसीयर ने कहा हाँ वहाँ एक देवराहा बाबा करके है गोरखपुर के रास्ते में, तो वहाँ आपको मिला देंगे। वहाँ हम गए। जब वापस आए तो पुकार जी आए हुए थे। पुकार जी को बताया कि वो, पुकार जी को लगा कि वो बंदा कोई मास्टर है, तो हम उनको भी दर्शन कराएंगे। हमने प्रोग्राम बना लिया और अपनी गाड़ी ली उन्होंने, क्योंकि इनका एरिया था। साथ में इंस्पेक्शन भी करते हुए गए। कुछ फोटो मैंने उस अंकल को भेजी है, गोरे को भी भेजी है वहाँ की, जहाँ उन्होंने फिर स्पीच वगैरह दी, बच्चों को इकट्ठा किया। और आसपास के जो स्कूल था, स्कूल वाले बच्चे भी वहाँ बैठे, और वहाँ के टीचर्स वगैरह सबको बाबा की कहानियाँ सुनाई। अब भी होता है जब हम वहाँ पहुँचे हैं देहरा बाबा के यहाँ, तो वो बहुत बुजुर्ग थे। लोग कहते हैं कि वो जब हम लोग यंग थे, बच्चे थे, तब भी वो इसी उम्र में थे लगते थे, और वो अभी भी उसी एज के दिखते हैं जिस एज के हमने बचपन में देखा। अपनी मर्जी से अपने बाहर आते थे, उस मचान पर बैठते थे। जब आए तो हमने तो ये सुना था ना कि भी तारीख को मत्था नहीं टेकना, तो हमको स्पेशली कहा मत्था टेको बेटी। तो गुरु नानक देव जी का कोई उन्होंने शब्द पढ़ा, और ट्रुथफुली उस वक्त तक मुझे कोई गुरु नानक देव जी के शब्दों के बारे में नहीं ज्ञान था। हमने फिर एकदम से झुककर मत्था टेका। दूर से बहुत भीड़ थी,
पुकार जी ने खड़े होकर एक अपनी जो उन्होंने एक रामायण सी लिखी हुई थी कविता वो सुनानी शुरू कर दी। सुनाते सुनाते उन्होंने कहा बस बच्चा बस। बाद में पुकार जी ने बताया मैं चाहता था ही जहां तक सुनाना और उन्होंने मुझे यहाँ रोक दिया है। इट मीन्स के काफी ज्ञानी त्यानी और अंतर्जामी थे वो। अब तो उनकी शरीर छोड़ चुके हैं, हम उसके बाद उनको नहीं मिले, लेकिन हाँ मिले हैं एक बार। कैसे वो भी आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम समाधि पर गए हुए थे, जब वापस लौटे हैं तो वाया इलाहाबाद होते हुए हम बलिया वापस आते थे। इलाहाबाद में हमारी बिल्कुल ब्रिज के ऊपर जीप बंद हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया। इन्होंने गुस्से में ड्राइवर से कहा जब तुम लेने आए थे तुमको नहीं पता था कि कितनी चाहिए अब तुमको पेट्रोल, अब क्या होगा। और मैंने हंस कर कहा कि अभी आप वहां से आए हो, बाबा तो कहते हैं कि जिस हाल में मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ तो उस हाल में खुश रहो, तो आप शांत हो जाइए, इसको भेजिए यही सजा है, पैदल जाए और जाकर लेकर आए कहीं से भी। इतने में मैं उतर के वो जो ब्रिज था उसके पुल के ऊपर से देखा तो नीचे इलाहाबाद में उस टाइम हिंदू सम्मेलन लगा हुआ था। दूर से देखा और बस रुक गई। इतने वो दूर से पड़ा पड़ा मैंने एक जगह तो वहाँ उसमें देरा बाबा का भी लगा हुआ था झंडा। इतने में वो आ गया ड्राइवर। ड्राइवर कहने लगा मैं सर आप अगर जाना चाहते हो तो चलो। मैंने कहा नहीं, हमको शादी के बाद आकर के सीधा घर जाना चाहिए। बड़ी सोच विचार में पड़ गया। अब वो कह रहा चलो, तो हर एक के अंदर वही वाणी बोलती है, गुरबानी कहिए या ईश्वर वाणी कहिए या मेरे बाबा की वाणी कहिए, सब एक ही चीज है, कोई चीज में फर्क नहीं है। जो अब तक मैं समझ चुकी हूँ कंपेरेटिव स्टडी में कोई फर्क नहीं है। तो मैंने कहा चलिए चलते हैं सरगल साहब। ने कहा चलो, गाड़ी घुमा कर वो नीचे ले आया बिल्कुल डाउन, और वहाँ हम भी हजारों की भीड़ में जाकर बैठ गए और जाकर मत्था टेका। तो हमने ये था ही कि बाबा का मैसेज देना, तो एक फोटो जो है बाबा की उनकी जो चेले थे उनकी टोकरी में रख दी थी, बस और कुछ नहीं बोला, आगे निकल गए लाइन से। अब जरा बाबा बाहर आए और उन्होंने सबसे बातें करने लगे। आपको मालूम है ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई कोई निकलता है, बाकी सब अपने ही परेशानियों में रहते हैं और कहते मेरा बच्चा खो गया जी कब मिलेगा, कोई कह रहा था मेरे पैसे कब मिलेंगे, और वो बताते जाते थे। इतने में एकदम चुप करा के बोले कौन माई आई है जो मेरे बाबा के स्थान से आई। अब हम चौंक गए कि हमने तो ये नहीं बताया कि मैं वहां से आई हूँ, ना इन्होंने बताया, हम तो एक लाइन में लगे हुए थे, भीड़ बहुत थी। तो मैं खड़ी हो गई, माई कहा था तो मतलब मैंने खड़ा होना है। तो मेरा पर्स ऐसे हैंग किया हुआ था, तो मुझे कहने लगे गफलत में ना रहना, ध्यान में रहो, ये जो है ना पर्स को ध्यान से रखो नहीं तो कोई मार डालेगा पर्स। मैंने चुपचाप संभाल लिया। इतने में बीच में किसी ने बोलना शुरू कर जी मेरा लड़का फिर आगरा से गुआच गया था, खो गया था, कब मिलेगा क्या नहीं है। तो मैं बैठ गई। कुछ लोगों ने और बातें करी, फिर उन्होंने बोला कौन माई आई है वहां से। फिर मैं खड़ी हो गई, सैकड़ साहब भी खड़े हो गए। कहते इनको प्रसादी दी, प्रसाद नहीं कहा प्रसादी दी, इसने कहा दी और दो और दो, और इनको एक भक्त गीता भी दे देना और लेकर तब जाएंगे यहाँ। हमने ये सुना हुआ था कि भी जब ऐसे बंदों के पास जाओ तो बिना उनकी आज्ञा के वापस नहीं आ सकते। तो मैंने फिर हाथ जोड़ के कहा जी महाराज हमको बच्चे घर में छोटे हैं, वेट का इंतजार कर रहे होंगे, तो हमको शाम पड़ जाएगी रात पड़ जाएगी, पहुंचते पहुंचते हम आज्ञा दो तो हम जाए। कहते बिल्कुल जाओ, प्रसाद लेकर जाना। प्रसाद ले लिया। एक तो ये घटना हुई, उन्होंने अपने आप पूछा कि कौन भाई माई मेरे बाबा के यहाँ से आई। उसके बाद जो है ये हुआ कि फुकार जी का आना जाना हमारे घर अक्सर रहा। लास्ट स्टेज में जब वो आते थे तो एक बुक उनको अमेरिका में किसी ने दी थी, इंग्लिश बुक थी, वो उन्होंने मुझे दे दी थी। वो मैंने एक बार पढ़ ली थी। जब पुकार जी जब भी आते थे वो मेरे से मांग कर कहते थे वो किताब दे दो मैं दोबारा पढ़नी है।
मुझसे कहने लगे, मिसेस सहगल मेरे अंदर रिद्धियां सिद्धियां आ गई हैं, ऐसे लगता है मेरे अंदर रिद्धियां सिद्धियां आ गई हैं। और उनके साथ हमने बहुत और भी कई जगह जहाँ के मस्त थे उनके पास दिखाने के लिए ले गए कि वाकई में ये मस्त है कि ऐसे ही है। क्योंकि तो हम जब वेजिटेबल खरीदने जाते थे, छोटी सी जगह थी बलिया, तो एक नींबू भर के, नींबू बाबा उसको कहते थे, वो बैठा होता था पेड़ के नीचे और नींबू थोड़े से रखे होते थे और कुछ नहीं बेचता था। पेड़ के नीचे छोटे से ऊंची करके टीला सा बना रखा था, उस पर बैठा था, कुछ नहीं और करता, बोलता भी नहीं था। उसको उससे हम ले जाते थे हमेशा नींबू, मैं और मेरी फ्रेंड थी, हमेशा उसी से खरीदना और कुछ नहीं खरीदना, बाकी चीजें और जगह से लेनी, उसे नींबू ले लेना और चले जाना। कई बार उसने कई बातें ऐसे कही जो हमको बड़े चंबे में डाल गई थी। तो हमने कहा पुकार जी चलिए उसके पास चलते हैं। पुकार जी के पास, उनके पास आए, उसने देखा, हंस कर कहा, पुकार जी ने कुछ मेरे बाबा की बातें बताई तो कहने लगे मैं फोटो निकाल कर दिखाऊं तुमको। वो कुछ नहीं, एक छोटी सी कंबली लिए होते थे और बाकी थोड़ी सी दाढ़ी होती थी। और ये तो पता ही आपको, जितने भी महापुरुष हुए, अवतार हुए, उन्होंने बाल और अपनी दाढ़ी नहीं कटाई थी। तो दाढ़ी थोड़ी सी होती थी और कंबली लिए होते थे, ओढ़ के नहीं बैठते थे। और हाँ, उनका चेहरा इतना हंसी वाला होता था, चमकता होता था। तो पुकार जी ने कहा नहीं नहीं रहने दीजिए, क्योंकि हमको किसी से वो नहीं लेनी है, इम्तिहान नहीं लेना। इम्तिहान तो तब लेना जब हमारे अंदर कुछ ज्यादा आ जाए कुछ, तब हम देखते हैं कौन कैसा है। लेकिन ये तो समझ में आ गए थे मस्त कौन होते हैं। तो उन्होंने कहा चाय मंगवाओ। पंचाल जी गए चाय वाले के पास, चाय लेकर आए और आप पी कर कहते तुम भी पियो तुम भी पियो तुम भी पियो, सबको पिलाई उन्होंने एक ही उसमें। और जब भी मुझसे मिलते थे कहते थे नूर भर दूं, नूर भर दूं, यहाँ पूरी दुनिया में सब मुंह खाल कर खोल कर बाघ बैठे हैं, बंदा कोई कोई दिखाई देता है। पता नहीं ये क्या उनका मतलब होता था, मुंह बाए हुए बैठे हैं और कब खा जाए। एक बार उनको हम अपने घर भी ले आए थे और बड़े खुशी खुशी उन्होंने आने का हमारा निमंत्रण एक्सेप्ट किया था। पुकार जी ने कहा इस सम स्टेज का ये मस्त है। तो एक बार उनको, पुकार जी को, वही लाल कपड़ों वाली लेडी हमारे घर में जिस कमरे में ठहराते थे, गेस्ट रूम था, उनको उन्होंने बताया हमको कि आज मेरे अंगूठे को फिर उस औरत ने पकड़ के झंझोड़ा और हिलाया और उसका उठ जा। कहते आज मेरे साथ वही एक्सपीरियंस हुआ जो मेरे को बाबा के टच से पहले हुआ था, होता था। तो हम बड़े खुश थे कि चलो ये जगह ही अच्छी होगी जो इनको दोबारा से एक्सपीरियंस हुआ। वो लाल कपड़े वाली कौन हो सकती है, आप लोग सब जानते हैं माता होगी। वो बाबा के टच से पहले मैंने 1 साल माता की भक्ति बहुत करी थी। और वो कहने लगे कभी मुझे उसने ऐसे हिलाया जैसे कि पहले हिलाती थी और फिर गायब हो गई। अब है कि आना जाना उनका लगा रहता था। एक बार हम लोग वहां गए तो हमीरपुर में, और पुकार जी को पता चला कि सैकल साहब आए, और कड़कती धूप और उसमें उस वक्त लू चल रही थी, पता चला पुकार जी पता नहीं क्या काम कुछ पढ़ रहे थे, हॉल मास्टर वर्क बुक पढ़ रहे थे। कहते वहीं पकड़ के बुक को छुट्टी लेकर दौड़े दौड़े आ गए, मिले हमको बड़े प्यार से मिले और कहने लगे मेरे को ले चलो साथ में बलिया ले चलो। और सैकल साहब ने कह दिया कि मेरे इंदिरा गांधी का टूर है तो मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, अकेले रहेंगे आप दो जाने, तो आप ऐसा करिएगा कि मैं दोबारा आपको बुलाने आऊंगा तो आप मेरे साथ चलिएगा। ये बात जो है जब 1980 की है, 1980 में उन्होंने कहा कि अब मैं आ रहा हूं आपके पास और आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिए जो भी प्रोग्राम का है। हमने सारी तरफ अपना मैसेज दे दिए कि
परमेश्वर जय पुकार जी आ रहे हैं। बहुत खुशी से ड्राइंग रूम में सब लोग बैठ के उनके साथ वार्तालाप करते थे। और अब यकीन नहीं मानिएगा, 8 मई 1980 1980 8 मई को हम लोग इंतजार में बैठे हैं, लॉन में बैठे हैं, तो एक टेलीग्राम आती है पुकार जी की सीढ़ी छोड़ने। सैगल साहब तो इतने हिम्मत वाले थे कि उन्होंने वो टेलीग्राम जाके बाबा के आगे रख दी। हमारे बच्चे भी रोने लगे, मैं भी रोने लगी। अब जिन जिन को आना था गेस्ट को, वो आए, उन्होंने देखा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो मैं बुलाया था कि पुकार जी आ रहे हैं, सब रो रहे हैं। तो हमने उनको टेलीग्राम दिखा दी, तो वो अंदर गए और गुस्सा करने लगे, कहते आप ऐसा करोगे तो बच्चों का क्या होगा, आप क्यों रो रहे हो। मतलब इतना प्यार था उनके साथ, और प्यार थे बाबा, लीला उनकी बेटी एक बार मेरे साथ लड़ पड़ी थी, और काफी दिन तक हम लोग दोनों जाने बोले नहीं थे। तो जब एक बार भजन हो रहा था मंदिर में, दूर से मेरे को लगा कि मैं जाकर अपने आप उसको मना लूं और उसके साथ अमरेस करूं, जिसको पंजाबी में जप्पी करना कहते हैं। तो मैंने पुकार जी को कहा, मेरे को ऐसे फीलिंग्स हुई हैं। कहते यही तो असली प्यार है। दुनिया प्यार को गलत तरीके से लेती है, शारीरिक संबंध से लेती है, लेकिन असली प्यार तो यही है कि आपकी वाइब्रेशंस उस तक पहुंची और वो भी उठकर आके मेरे साथ मिली। आपकी वाइब्रेशंस कहाँ तक गई हैं? खाली हम लोगों ने कहते हैं, आप अवर उपदेश से आप ना करें, आवत जावत जन्म मरे। जन्मा और मरना दोनों दुखदायक होता है, आप सबको पता है। जन्मना मरना दोनों ही बहुत बहुत ही दुखदायक होता है। तो ये है कि हम किसी को उपदेश दे नहीं सकते, लेकिन जो उपदेश लिया उसके जी सकते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। तो ये पुकार जी ने कहा, यही प्यार है जिसको हमको ढूंढना है, ईश्वर का प्यार। वो कैसे ढूंढे? ईश्वर का प्यार चाहिए, और सिंपलसिटी में चाहिए। कोई ज्यादा उसके ज्ञान की जरूरत नहीं है, सीधा ये अंदर निर्मल हो जाए। अंदर निर्मल होना भी आसान नहीं है। जो आपके चाहते हैं उसको आप काट डालो। जो सुप्रीम पावर है उसके साथ मिल जाना ही एक गुरु का, मिला देना है गुरु का काम होता है। गुरु हमको, परमात्मा हमको गुरु से मिलाता है, और गुरु हमको परमात्मा से मिला, ट्रायंगल है। तो गुरु जो ज्ञान देता है हमको, वो मेहर बाबा ने जो ज्ञान दिया है, और ट्रुथफुली हमने उनके मुंह से नहीं सुना, उनके इशारों से सुना, या वहां जाकर जो उनकी पिक्चर्स देखी समाधि में, या उनकी बुक्स पढ़ी, या उनके साथियों को देखा, उनको मिले, अलोबा जी को मिले, अलोबा जी हमारे यहाँ बड़ी बार आए, उनकी फोटो भी शायद मैंने अभी भेजी है संकल्प को, मिली हो कि ना। तो लोबा जी आए, डॉक्टर भरूचा जी आए, तो ये सारा का सारा प्यार मिलता रहा हमको। और सुप्रीम पावर को मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके गुण इतने हैं कि हम लोग अपने गुणों को वजह से उसके गुणों को ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन उनको साथ जी नहीं पा रहे हैं। बाबा ने सिखाया है कि मैं उपदेश देने नहीं आया हूँ। हाउ मास्टर वर्क, ये उसकी कहानियां हैं। दुख देकर भी वो हमको सुखी करता है। दुख दारू सुख रोग पिया, ये गुरबानी का शब्द है। तो दारू तब बन जाता जब उसके अंदर बसी हुई बुराइयां को दूर करने लगते हैं, तो दुख दारू बन के सुख की तरफ चला जाएगा। और अगर सुखी रहेंगे, अपने ही इच्छाओं में डूबे रहेंगे, तो रोगी हो जाते हैं। उस दुख दारू सुख रोग पिया, जा सुख ताम न हो। ताम न मतलब परमात्मा न हो। बाबा ने जो भी सिखाया, बहुत उनका डीप नॉलेज है, उसको पढ़कर उस पर अमल करना इज नॉट एन इजी जॉब। क्योंकि जिब्बा एक
कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हें लइए। किसी ने अंत नहीं लिया उस परमात्मा का। मैं तो जी भी एक है, शेष नाम तो कितने जीवों वाला था, उस जप रहा है लेकिन उसने भी पार नहीं पाया परमात्मा का। तो हमको पार पाने का तरीका जो है वो गुरु सिखाता है। अब लास्ट टाइम जब पुकार जी आए थे बलिया में, तो रस्ते में उनका बाबा को, बाबा ने कोट अपना जो हमेशा पहनते थे वो दे दिया था बाबा को। अब पुकार जी को उन्होंने आके बताया, इस बार मेरा कोट जो है ट्रेन में ही रह गया। बस हमको कुछ आभास हुआ। 35-45 दिन जब मैंने दोनों ने मिलकर सोचा भी बात ठीक नहीं लग रही, वो लेडीज है ना, लेडीज थोड़ा सा वहमी होती हैं, ये हो गया तो ये हो जाएगा, वहम से दूर करना ही गुरु का काम है। पौपाग्य परम, ये सब परम है जो दिख रहा है, सब कुछ एवरीथिंग है पर नथिंग है। तो उसी साल की बात है जबकि पुकार जी ने कहा था कि मैं आऊंगा, और रात में कहते उनको पेट खराब था, फिर भी उन्होंने मजदूरों के साथ सामान उठा उठा कर लेकर जाते थे कि मैंने काम कराना करा लो, मैंने से मेरे सैकल साहब के पास चले जाना। तो सैकल साहब के पास ना आकर सैकल साहब को तार मिल गई, और तार ने हमारा ऐसा झिंझोड़ के रख दिया कि हमको समझ में ना आए अब क्या करें। उसके बाद मीरपुरी में हम एक दो बारी गए हैं, क्योंकि वो प्यार जो पुकार जी का था वो नहीं मिल पा रहा था। माफ करिएगा, कुछ लोगों को सुनकर बुरा भी लगा होगा, लेकिन अपनी अपनी अवस्था है, अपने अपने इंडिविजुअल, हमारा अपना ही ज्ञान जो है हमको उस पर से ले जाता है कि क्या करो क्या ना करो। ज्ञान भी ले जाता है, ईश्वर भी ले जाता है। क्योंकि एक कथा है कि कहानी है पुकार जी की, जैसे बलिया आए थे उनको कुछ पेमेंट करनी थी कंट्रेक्टर की, पैसे थे नहीं उनके पास। जो पैसे नहीं थे तो कहते चलो निकलते हैं, और उनकी आदत थी कोई सी बस मिल जाए उसमें चढ़ जाओ भैया, वो तो बाबा का ही आदेश है, इस बस में चढ़ना है, जिस दिशा में वो ले जाए उसी दिशा में चलो, तो भाई बाबा का ही आदेश है। करते करते कानपुर में एक उतरे तो कहने लगे यहाँ एक सेठ रहता तो उसके घर जाते। उसके घर गए, पता लगा वो है नहीं, है गया वो कहीं बाहर आ गए, मायूस होके पैसों की क्या प्रॉब्लम पड़े कैसे सॉल्व करे। सामने देखते हैं एक धर्मशाला, उसके सिर्फ टॉप स्टोरी पर एक सरदार जी आवाज मारे है, पुकार जी पुकार जी पुकार जी। पुकार जी ने कहते मैंने ऊपर मुंह करके देखा तो एक आंध्रा के आया का कहाँ के कुछ सरदार थे वो थे। उन्होंने कहा नीचे आ रहा हूँ मैं, मेरे फादर ने इतना पैसा भेजा है और आप ये ले लीजिए, और उन्होंने कहा मेरी तरफ से उनको दे देना, और कहना मीरपुरी में उनका फादर का नाम लिखवा देना। पुकार जी कहते मैंने कहा नो ये काम नहीं होएगा। वो पैसे नहीं लिए उन्होंने। आखिर उन्होंने कहा चलो अब बलिया चलते हैं सगल साहब के पास। वहां आए, बाबा ने परमात्मा ने पहले से इंतजाम किया होता है, हमको जरूरत नहीं पड़ती उनकी किसी को भी, तो हमने पहले से ही भिक्षा ही मांगी है किस्म के, सबसे पैसे ले लेके इकट्ठे किए हुए थे। इट वॉज अबाउट टू 1 लाख ओनली, हम ठहरे होते थे जाते वक्त उनको पैसे दिए। तो बड़े खुश पुकार जी गए कि ये होता है कि बाबा हमको डायरेक्शन भी देता है और एक्शन भी करने को देता है, और ये भी है परिश्रम भी है परिणाम भी है, बिना परिश्रम के परिणाम नहीं है। तो इस तरीके से वो हमारे यहाँ आने जाने लगे थे बलिया में। लास्ट स्टेज में तो आ ही नहीं पाए। लास्ट स्टेज में उन्होंने मेरे मुझे मुझे अकेले दिनों में ज्यादातर मम्मी कहने लग गए थे, पता नहीं क्यों, मेरे से 20-25 साल बड़े थे। मम्मी 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 इधर आओ, मम्मी इधर आओ। तो मैं हंस पड़ती थी। कुछ दिन पहले जब मदर्स डे था तो मैंने गोरे से कहा, मैं क्या आज तुम बोल रहे हो कि आप कुछ बताइए बाबा जी के बारे में और पुकार जी के बारे में, मुझे लिख कर दीजिए। हम तो सॉरी हम लिख कर नहीं दे सकती हूँ, बता दूंगी जो कुछ पुकार जी का मेरे साथ संबंध था, जहाँ बाबा जी का जो था। तो उसने कहा मैं संकल्प को कहता हूँ,
तो संकल्प ने मेरे को फोन किया। और संकल्प ने फोन किया तो मुझे लगा कि अभी पता नहीं क्या करना पड़ेगा, वीडियो करना पड़ेगा, क्या नहीं करने का पड़ेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उन्हें अभी फोन आया था कि नहीं, आपको सिर्फ अपनी सारी अपनी कहानी बतानी है कि बाबा के टच में कैसे आए। यहाँ आकर हमने फिर बाबा का प्रोग्राम शुरू कर दिया। बलिया रिटायरमेंट के बाद हम लोग मोहाली आकर, ये भी अलोबा जी ने चिट निकाली थी कि देहरादून ना जाकर आप मोहाली जाइए, उनको आदत थी, चिट लगा के बाबा के आगे रखते थे। और उन्होंने कहा तुम मोहाली जाओ। और मेरा जो पहला समाधि का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। अब पकार जी के साथ तो काफी हमारा मेल जोल शुरू हो गया हमीरपुरी में। तो मुझे एक सपना सा आया और मैंने कि ये लीजिए, अगर 7 दिन मौन रख ले और तोड़े ना तो जो ये चाहती है वो हो जाएगा। मैंने रखना शुरू कर दिया, 7 दिन बोली नहीं। और उसमें ये भी शर्त होती थी कि भी लिखना भी नहीं, इशारा भी नहीं करना और कुछ सोचना भी नहीं। बड़ा मुश्किल लगा लेकिन बड़ा आनंद आया। एक दिन मैंने कुछ सोचा, जो मैं सोचा है मुझे पता है मैंने गलत सोचा होगा, तो मेरे मुंह से निकला सर्वेंट का नाम विजय, पानी टपक रहा, बस मैं चुप कर गई। तो मैंने 7 दिन मौन रखा हुआ था, 6 दिन हो गए, 7वां दिन था। काजी को जब बताया तो कहते हमने कंटिन्यू करना था। मैंने कहा मैंने अपने आप कंटिन्यू कर दिया था। तो जब जिस दिन फिर बोल खोला मौन, तो मेरे मुंह से ऐसे लगा कि मुंह से कोई चिड़िया निकल के बाहर गई, इतनी एनर्जी अंदर हो जाती है। बाबा तो 44 साल नहीं बोले, उनकी एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, अभी भी है। अगर हम मान ले के वो है, उनकी एनर्जी फैली हुई है, जैसे गुरु नानक देव जी का मैं आपको बता, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट, वो शरीर में ही चले गए थे। ही स्टिल हियर। सिखिज्म में ये माना जाता है कि गुरु नानक देव जी कहीं नहीं गए। कैसे? क्योंकि गुरु नानक देव जी तो बहुत पहले आए थे ना, बाबा से पहले 5-6 साल पहले आए थे। अखिले दिनों में अपने फॉलोअर से कहा कि मुझे एक चादर दे दो, सब लोग बाहर जाओ। ऊपर चादर ओढ़ ली दी थी। उसके बाद जब अंदर आए कि काफी देर निकले, तो उन्होंने देखा कि अभी क्या हुआ, चादर उठाई तो कुछ नहीं मिला, 2 फूल पड़े हुए थे। पठान लोग कहें ये हमारे पीर था, हिंदू कहें ये हमारा सदगुरु था, लड़ाई शुरू हो गई। वो कहकर गए थे मेरी समाधि नहीं बनानी, मेरा कोई मंदिर नहीं बनाना, मेरा कुछ नहीं करना। अब बना दी समाधि उन्होंने। अब गुरु के अगेंस्ट अब बात करते तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। उसी साल एकदम बाढ़ आई और रावी के किनारे जो बना रखी थी उड़ा के ले गई समाधि को। तो ही स्टिल हियर। और मेरे बाबा ने भी अपने एक कोर्सेज में कहा, जिस कोर्स में कहा कि इन वन ऑफ माय इनकार्नेशन आई वाज गुरु नानक आल्सो। तो गुरु नानक देव जी की भी जो बाणी है वो केवल बाणी है, कोई कहानी है नहीं है। हमारे ग्रंथ साहब में कोई कहानी नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि कहानी का मतलब कहा नहीं, कुछ नहीं कहा, कहानी नहीं मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। और अगर ज्ञान आपकी बेस बनी हुई है, मेरे बाबा की बेस है, उसको अडॉप्ट करने में हमें देर नहीं लग रही। मत सोचिएगा कि मैं गुरबानी की कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। इट्स अप टू एवरीबॉडी टू स्टडी ईच एंड एवरी सिटीजन। जो अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर लो, जो ना लगे वो छोड़ दो। बाबा ने तो यह हद तक कहा है आई एम इन एवरी बॉडी, डोंट वरी, आई एम बी हैप्पी, आई एम विद यू, आई एम विद इन यू, आई विल वर्क फॉर यू। आई का क्या मतलब है? आई ना मैं हूं, ना आप है, ना ये कुर्सी है, ना कुछ, एवरीथिंग है बट नथिंग है। आई का मतलब परमात्मा है। वो भी कहते थे कि ना ये मेरा शरीर नहीं, मेरा कोट है, तो हम कोट से प्यार करते हैं। उनके दिए हुए ऑर्डर्स को नहीं हम प्यार करते, तो अगर दिए हुए उस ऑर्डर को प्यार करेंगे तो
तो हमारा असली जन्म सफल तभी हो सकता है जब हम उसके ऊपर चलेंगे। बलिया में कोई मिनिस्टर नहीं आ सकता किसी के घर में, ऐसे लोगों को पता चला कि वहां पर, आपको पता है नफरत आई थी भोपाल में, भोपाल में और भी कई संगत थी जो हमको बहुत प्यारी थी, नफरताई भी आई थी। हमने एक सेमिनार किया था वकलम में, बड़े बड़े आए थे बाबा प्रेमी, नफरताई भी आई थी। तो नफरताई ने भी हमको बहुत अच्छी तरह कई चीजें समझाई हैं। और नफरताई ने एक बार ये कहा था कि मिसेस सहगल, आप जितना भी कोशिश कर लो, कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। एफर्ट जो होता है वो माइंड है, एफर्टलेस इज मेडिटेशन। ये भी मैंने पढ़ा है कि जगह, एफर्ट जो करना है वो माइंड है, माइंड से हम प्यार नहीं कर सकते, दिल से कर सकते। तो नफरत आई आई हुई थी हमारे यहाँ, उन्होंने कहा था कि भी बाबा के यहाँ आने वाला कभी खाली नहीं जाता, तो भागना क्या है हमको, क्या मांगे। यही है ना कि वरी मत करो, ना वरी करें, अस्थिर मन हो जाए। अस्थिर मन कैसे होगा, होता ही नहीं। अब भी मैं बताऊं आपको, सुबह से मैं परेशान हूं, क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, मैंने छोड़ दिया। ना कुछ बीजे ना उपजे जो बख्शे सो खाए, ये शब्द मैंने पढ़ के अपने आप को स्थिर किया। जो हम बीजेंगे तो खाना ही पड़ेगा ना, वही खाएंगे ना। और कभी कभी उसको कीड़े भी खा जाते हैं, पूरा नहीं उगता। तो गुरु जी कहते हैं ना कुछ बीजे ना कुछ खाए, मतलब कोई ऐसा कर्म करो ही ना जो आपको खाना पड़े, जो उसके अलावा जो बख्शिश करता है तो वो खा लो। मुझे याद है एक बाबा प्रेमी ने पापा से कुछ क्वेश्चन किया था, मेरे तो 7 बेटियां, अगर मैं घूस नहीं लेता, क्लर्क थे वो, नाम भूल गया मुझे, ओके आई एम ऑल्सो नाउ अबाउट 70 अबाउट, तो मैं मेरी 7 बेटियों की शादी कैसे करूंगा। तो उन्होंने, बाबा ने उनको ये जवाब दिया था कि तुम सरकमस्टांसेस क्रिएट मत करो तो तुमको कुछ मिले, अगर फिर भी मिलता है तो मेरी बख्शीश समझ लो। उन्होंने फिर भी वैसे किया जैसे उनको ने बाबा के बताया था। तो ये होती है कि हम उसके कहने पर चलते हैं, उनकी बेटियों की शादी भी बड़ी अच्छी तरह हुई। जो बख्शे सो खाए, जब बख्शीश उसकी हो जाए तो वो खा सकते हो, वो आपका हक बनता है। आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई बुराई नहीं की, बुराई नहीं करी है, अगर आपने सरकमस्टेंसेस क्रिएट करके ये लिया है तो ये हराम है। अब बाबा का कोट दिया हुआ खो गया, अब क्या करें। हम लोगों को तो समझ में आ गई थी, पुकार जी को शायद आ ही गई होगी, और ये समझ में आ गई कि अब इनका, मुझे कहते मम्मी मैं, मेरे अंदर रिद्धियां सिद्धियां आ गई। इतने साल उनके साथ रहे, 20 25 साल रहे होंगे हम लोग साथ में, ऐसी अट्रैक्शन कभी नहीं हुई उनके साथ जितनी उनकी लास्ट डेज में हमारे साथ हो गई। ये बाबा का ही था। तो ये सब सुनते थे जब लोग, तो एक मिनिस्टर थे जगन्नाथ सिंह करके बिहार के, उन्होंने कहा मैं आना चाहता हूँ आप इनके घर। तो नफरत आई की सिस्टर थी शायद, हाँ सिस्टर थी, वो बनारस में थी, उनकी नन थी जी, वो बाबा के बहुत खिलाफ रहती थी। अब मुझे, मैं नफरत आई ने कहा मिस सहगल उनको आप बुलाया करो अपने घर में, जब आपके यहाँ प्रोग्राम होता है बाबा का तो कुछ उनको सुना, उनको उनकी जो थी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर की, वो मेरी बेटियां पढ़ती थी इस कॉलेज में, उसकी प्रिंसिपल थी। अब क्या करूं भाई, कहना शुरू किया। अब मुझे यकीन नहीं माने, वो फिर हमारे साथ पूरा यात्रा करके बाबा के यहाँ दर्शन करने को गई, वो और एक और प्रोफेसर थी।
और हर बार वो हर प्रोग्राम में हर सैटरडे संडे को हमारा प्रोग्राम होता था, ये सुनकर वो मंत्री साहब आ गए। तो हम तो एक सरकारी ऑफिसर है, डर भी लगता है मंत्रियों से, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो अपने दूसरे कमरे में चले गए, तो फोटोए देखकर कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बुद्ध की मंडली में एक बार था, क्योंकि तो सबकी फोटो थी ना, बुद्धा भी मैं हूँ, बाबा कहते थे भाई, मैं था, वन ऑफ माया मंडली में मैं भी था, तो मुझे इनकी इसकी कोई बुक दो। तो मैंने पर्दे में से हाथ निकाल कर ना सागर साहब को एक बुक पकड़ाई, और क्या पकड़ाई थी, हवाई मास्टर वर्क। अब वो तो लेकर ही चले गए। अब मुझे बड़ा दुख हुआ, कभी मेरी किताब लेकर चले गए। हम तो मैं तो रोज पढ़ती थी थोड़ा थोड़ा, हम मास्टर वर्क पढ़ी है, पूरी सारी पढ़ ली, बाद में आ भी गई वापस, लेकिन वो लेकर चले गए और उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। मतलब एक ये भी चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार तो बेबा बाबा प्रेमियों ये है कि हमने इंसान जन्म दिया, ये चमत्कार है परमात्मा का। अगर इंसान बन के इंसान के रूप में ना रहे, तो हमारे गुरुओं का, हमारे अवतारों का आना निफल हो जाता है। अब ये है कि कोरोना वायरस में हमारे यहाँ ये अरदास रोज होती है, सब्बे जी संभाल अपनी मेहर कर। सब्बे जी का मतलब उसमें जीव जंतु भी है, उनको तुम संभालो अपनी मेहर करो, मेहर बाबा का नाम आ जाता है। सब्बे जी संभाल अपनी मेहर कर। कुसुम जी हमेशा कहती थी, साहेब मेरा मेहरबान, बाबा को बहुत पसंद था। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मुझे शब्द नहीं आता था, तो गुरु नानक देव जी की कोई भी वाणी को मैंने कंठ नहीं किया होता, कोई ज्ञान नहीं लिया होता। बाबा 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 बाबा, एक बेस थी ये बेस ना होती तो ट्रेन कहाँ खड़ी होती, स्टेशन ना होता कहाँ खड़ी होती, कहीं ना कहीं खड़ा होकर ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। और कंपैरेटिव स्टडी कर करके मुझे इतना प्यार रहा है बाबा का, कि मैं अपने संगत में भी बेर बाबा की बातें बताती हूँ, पुकार जी की बातें बताती हूँ। इन्होंने हमको बाबा के बारे में जो कुछ बताया वो यही है, यही है, यही है कि आप गुरु के दिए उपदेश को जियो, लिव विद देम, डोंट ओनली स्टोर इट इन योर माइंड बॉक्स, क्योंकि वहां तो वो गल जाएंगे। डेली डेली अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने अंदर सफाई कैसे, शाम सुबह शाम लोग साफ करते हैं अपना घर, हमको ये याद नहीं रहता कि हमारे अंदर भी कितना गंदा है, रोज सुबह शाम देखे उसको साफ कर दे, ऑर्गन काटो, ऑर्गन किसमें नहीं है, ऑर्गन सब में है, गुणों को ले आओ। बाबा यही तो कहते थे, क्या हम उस पर चल रहे हैं, चिंता मत करो, डोंट वरी बी हैप्पी, किस तरह हो सकते, जाके मन वसे बन आए, ताको चिंता कतहु नाहीं, जाके अचिंत वसे मन आए। अचिंत कौन है, वो परमात्मा के अलावा अचिंत तो कोई नहीं है, हम तो सब चिंता में ग्रस्त है। मेरा बेटा इस वक्त फॉरन में फंसा हुआ है, चिंता लगी हुई है, लगी हुई, लेकिन फिर बेस ले लेते हैं बाबा का और गुरबानी का, अपने आप को स्थिर करते हैं तो आएगा, सेफली आ जाएगा। तो चिंता हर एक प्राणी को है, चिंता चिता है, बाबा ने कहा हुआ, तो डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी, बार बार उनके आई एम विद यू, आई एम इन यू। मेरे यहाँ तो बड़े बड़े बाबा प्रेमियों के चरण पड़े हैं, मूर्ति भाई आए हैं, डॉक्टर भ्रुचा आए हैं, और मेरे बाबा, मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे बाबा आए हैं, इन्हीं के रूप में है ना, जो स्टॉन्च लवर है। स्टॉन्च लवर कौन होता है, जो कि उसकी याद में जैसे
पंचाल जी लेते हुए आपसे बांध करके श्री छोड़ के। अब हम कह देते हैं कि वो बाबा के में मिल गए, यही दिए, किसने देखा। अभी यात्रा बहुत लंबी है, कई जन्मों से तो हम निकल कर आए हैं, कई बाप बने, कई माँ बने, कई फ्रेंड्स बने, कई हमारे जीव जंतु बन के आए हैं, ये तो सब जानते हैं, बुक पढ़ी है, सबने पढ़ी होगी बाबा की, गॉड स्पीक्स। तो गॉड स्पीक्स क्या कहती है, कि हर बार हम एक चीज छोड़कर दूसरे, एक स्टोन भी है, अकेला स्टोन जो होता है वो हीरा है, उसके बाद दूसरा पत्थर। तो हमको ये नहीं सोचना कि हम कंप्लीट हो गए, हम कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकते, जो कंप्लीट कहता होगा वो सिख नहीं है हमारे धर्म में, कहते शिक्षा लेने वाला ही सिख है, जो कहता अभी हम, मैं पुरानी नहीं, मैं नया हूँ, नए और पुराने बाबा प्रेमी का कोई तल्लुक ही नहीं, कोई मतलब नहीं, कौन नया है, कोई एक चला है अमृतसर से वो कलकत्ता पहुंचा, एक चला आसनसोल से वो भी कलकत्ता पहुंच गया। ये तुम्हारे पिछले प्रलब्ध संस्कार हैं जो कि हमको क्या करवाते हैं, और गुरु को किस गुरु को बुलाते हैं, किस टीचर को बुलाते हैं, किस वातावरण में रखते हैं, किस जैसी संगत वैसी रंगत। तो मैं इतना कुछ मैं कह के जय बाबा करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लिया, आप सोचते होगे पता नहीं क्या कुछ सुनाने लगी, लेकिन मेरे बाबा जैसा कोई कम ही है, वो आए जरूर हैं, गए भी नहीं है, और गए नहीं है क्योंकि आदि अंत एक ही अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, ये शुरू से है, वो अखीर से है, वही है गुरु, वही हमारा अवतार है, अवतार को कभी नहीं पड़ती कि दोबारा आऊं, वो बैठा बैठा ऊपर ही बैठे गारे करे करेगा कर रहा है। सो उल्टी की क्षमा बख्शती बख्श देना मेरे को, अगर कुछ मेरे से गलती हो गई हो, कुछ बोल दिया हो, आप क्षमा करना और प्रेरणा देना और अरदास करना कि मेरे अंदर के जो भावनाएं हैं वो मैं भक्त करते वक्त हिचकू ना, मेरे आगे यही प्रार्थना है। जय बाबा।